जान की अमान पाऊं तो हंस पे डाक शुरू करूं? करो करो, अब तो तुम्हारे खिलाफ भी डाक आती है। वो जो इस लड़के ने ईमेल की थी इसको के बहुत प्यारे लगते हैं और मैंने ये इसलिए लिखा है कि मैं शामिल करवाना चाहता हूँ अपनी डाक को, उस बंदे की लिया ईमेल फिर। नहीं नहीं, और बहुत सारी आई है, वो पढ़ना शुरू करूं? पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ो। पहले अदनान कसूर से लिखते हैं, अजीजी साहब आप अपने ईद के अगले दिन वाले शो में जिसमें आपने ग्रीन स्कार्फ लिया हुआ था बहुत शानदार लग रहे थे। हाय हाय हाय, अब सुना। ये बहुत अच्छी तब्दीली थी, आपको कभी कभार शलवार कुर्ता जरूर पहनना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ जी पहनना, यही जालस बंदा नहीं मुझे पहनने देता। तो खत तो पूरा हो लेने दो। आप बिल्कुल टीनेजर लग रहे थे। तेरे सदके। यार खत पूरा हो लेने दो। अच्छा खत पूरा हो लेने दो। बस ढोल की कमी थी, बाकी सब कुछ मुकम्मल था। डाले ना। कैसी तबीयत कैसी है जनाब आपकी? मेरा ख्याल है कुछ ईमेल किसने कहा था शामिल करने को? नहीं मतलब अच्छी ईमेल थी इसलिए आपकी तारीफ की है उन्होंने। ये कौन सी तारीफ है, तुम आखिर तक नहीं पढ़ के शामिल कर सकती इसको? उन्होंने कहा था ना। अच्छा चलो छोड़ दो, अगला खत पढ़ो तुम। ये यार क्या नाम है इस भाई साहब का? ये जी अदनान। खबरदार कुछ कहा तो किसी को। ये यार वैसे अदनान अगर इतना अच्छा लिख दिया था तो ये आखिरी चटका जरूर मारा यार तुमने। इमरान कमर गुजरांवाला से लिखते हैं, आपने मेरा SMS प्रोग्राम में शामिल नहीं किया इसलिए मैं हस्बे हाल देखना छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हस्बे हाल मेरी जान थी और आपने मुझको मेरी जान से जुदा कर दिया। ओके अल्लाह हाफिज, आई लव हस्बे हाल, जुनैद, नाजिया और हरदिल अजीजी अजीजी। अच्छा यार मैं इस जमन में एक वजाहत करना चाहता हूँ, हमारे बहुत से व्यूअर ओवर सेंसिटिव है अपना खत हस्बे डाक में शामिल करवाने के लिए। हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम हजारों की तादाद में खत या ईमेल्स जो हैं वो अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें, इसलिए वो चुनिंदा किस्म के दो चार खत ही हम शामिल कर सकते हैं। तो शामिल भी तुम वही करते हो ना जिसमें मेरी बीती होती है। बिल्कुल उस बंदे बेचारे ने हो रहा है कितनी को मेरी तारीफ लिखी होगी पहले जो नहीं तुमने शामिल की उसने हस्बे हाल की सदा भाई कह दी। यार को बात नहीं जाने दे, समझा देता हूं मैं। मोहम्मद आजम अहमद लाहौर से लिखते हैं, सलाम डियर, हाउ आर यू ऑल? अजीजी साहब मैं एक ड्रामे को डायरेक्ट करना चाहता हूं जिसमें आपका रोल मेन है। थैंक यू। इस ड्रामे में नाजिया और जुनैद साहब भी शामिल होंगे। आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि आपको नाजिया एंड जुनैद साहब के ग्रैंडफादर का रोल प्ले करना है। आई होप कि आप मुझे मना नहीं करेंगे इस रोल के लिए। थैंक्स। यानी मेकअप का खर्चा सिफर। हाँ। मुफ्त में। क्या कहेंगे जी साहब, आप रोल करने की तैयार हैं? मेरे पास डेट नहीं है जी साहब। ना करें, इतने प्यार से उसने ड्रामा बनाना है। रहने तो तुम ग्रैंडफादर का मुझे रोल दे रहे, शुरू उसने तारीफे ऐसे की है जैसे मेन ही रो इसने मुझे रख लिया। तो मेन है ना उस ड्रामे के मेन कैरेक्टर आप ही। नहीं मैं नहीं करता मेन चेन, हीरो हीरो का को पार्ट है तो मैं कर लेता हूं, मैं नहीं करता ग्रैंड। दादा हीरो नहीं हो सकता? रहने तो यार ये दादा कौन सा हीरो होता है, इसने कौन से डायलॉग बोल ले हीरो ने? सलमा आई लव यू सलमा, सलमा तुम्हारी मोहब्बत का तोहफा मुझे पहुंच गया था, खांसी का सिरप बहुत अच्छा तोहफा था, अब काफी फाका है। रहने तो ऐसा हीरो। अच्छी वाली तुमने एक्टिंग कर दी है, बस यही करनी है और क्या। चलो ठीक है, इन शर्त पर मैं ये दादे वाला पार्ट करूंगा। क्या? पोते तुम हो ना इस ड्रामे में। बट ठीक है, ड्रामे का आखिरी सीन होना चाहिए कि दादा डांग पकड़ के पोतरे को अद्धा को घंटा मार दे, अद्धे घंटे बाद उसी पे लंबर चल गए दादे का इंतकाम। To be continue. क्या क्या हसरते हैं इसके दिल में। Seriously? अच्छा जी अब्दुल्ला फैसलाबाद से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैंने नाजिया की हंसी का एक इस्तेमाल किया है। अपने एक ऑडियो इंजीनियर की मदद से मैंने नाजिया की हंसी रिकॉर्ड करके उसे मोटरसाइकिल हॉर्न में तब्दील कर दिया है। जब मैं हॉर्न का बटन दबाता हूँ तो नाजिया का कहका निकलता है और लोग कुछ देर के लिए हैरान होकर इधर उधर देखते हैं। बहुत ही भाई को मजा ही आप कहने, ये कौन सा आरण बना लिया। ये ना करना बेटे, जितना ये हंसती है सारी बैटरी मोटरसाइकिल की इसी ने ले जाया करनी।
अच्छा जी, के एन नूरानी साहब कराची से लिखते हैं, अजीजी हकीकतन इस दौर का बहुत बड़ा फनकार है। मेहरबानी नूरानी साहब, अल्लाह आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। सुना करो ऐसी ईमेल आगे तो सुने अजीजी साहब, पढ़ो पढ़ो ये रहा। मेरा जी चाहता है कि मैं लंदन के मादाम दसाओ म्यूजियम में अजीजी का मोमी मुजस्मा दुनिया भर के मशहूर मुजस्मों के दरमियान नस्ब करूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊं। क्या हुआ है? अजीजी साहब फौत हो गए, वो जिंदा लोगों के भी मुजस्मे हैं वहां पे। अच्छा अच्छा, मेहरबानी जनाब, बड़ी बड़े बड़े लोगों के लगाए। हाँ, बहुत बहुत बड़े लोगों के, इसीलिए उन्होंने ये कर किया। अच्छा, सुनो ना, सुन तो लें, पूरी नहीं हुई अभी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट ये है कि इस उम्र में उनका मुजस्मा बगैर सहारे के खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए सहारा देने के लिए जुनैद का मुजस्मा नस्ब करना पड़ेगा, जो कि अजीजी को बिल्कुल कबूल नहीं। अब तबसरा करें ना, बोले इज्जत अफजाई पे खुशी नहीं होती। अच्छा बड़ा नरानी साहब, आपने मुजस्मा बना लिया था, आखिर में उसका बेड़ा गर्क कर दिया। यार खड़ा क्यों नहीं हो सकता? उसका जरूर बना रहे, उधर भी मुझे तंग करता रहे। खाली मुजस्मा मेरा बना, मुंह जरा छोटा कर लेना। नहीं छोटा कर दे, कैसे कर दे छोटा? चलो यार पैर बड़े कर दे, जितने पैर आगे को है उतने पीछे को निकलेंगे तो नहीं गिरूंगा। मेरा बनाना ही पड़ेगा साथ। चलो ठीक है यार, फिर मेरा मोम का बनाना, इसका मिट्टी का बनाना, और इसको मेरे सामने या साथ ना खड़ा करना, पीछे खड़ा कर देना, हमारी कमर जोड़ देना, बस मुंह त्रूना मेरे इसको आने देना, मैं तुम्हें बता दू। नजरिया में लेनी है कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा बेड़ा मेरा मुजस्मा बना के नरानी साहब ने मुजस्मा ही खूब में फेंक दी।